हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक फ्लोर मैट बनाएंगे और इस फ्लोर मैट को बनाने के लिए हमने यार्न और 3 mm क्रोसे का यूज़ किया है। सबसे पहले हम 100 चेन्स प्रिपेयर करेंगे और उन 100 चेन्स के ऊपर हम एक डबल क्रोसे का रूप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम पैटर्न्स का रूप प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लोर मैट बनाना। हम यहाँ पे 100 चेन्स लेंगे। हमने यहाँ पे 100 चेन्स ले लिया है। 1, 2, 3 3 चेन्स जिसे हम फर्स्ट डबल क्रोसे कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम एक डबल क्रोसे का रो यहाँ कंप्लीट करेंगे। हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोसे बुनेंगे। हमने डबल क्रोसे का रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम उल्टी मैट के उल्टे साइड में हैं। यहाँ हम एक चेन बुन इन सारे स्टिचेस पे सिंगल क्रोसे बुनेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोसे का रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर स्टिच के ऊपर हम सिंगल क्रोसे बुन ये रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ ये रो कंप्लीट करेंगे। हमने सिंगल क्रोसे का रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम मैट के सीधे साइड में हैं। 1, 2, 3 हम 3 चेन्स लेंगे। फिर सेम स्टिच पे हम 3 टाइम्स फंदे निकालेंगे। 1, 2 और सभी को एक साथ बुन लेंगे। एक चेन, फिर एक स्टिच स्किप कर हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से 4 बार फंदे निकालेंगे। 3, 4 सब एक साथ बुन। हम एक चेन लेंगे, फिर वैसे ही
एक स्टिच स्किप कर नेक्स्ट स्टिच में हम ये पैटर्न बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने चेन ले लिया है, एक स्टिच स्किप कर यहाँ फिर से हम पैटर्न बना लेंगे। एक चेन स्टिच, एक स्टिच स्किप कर फिर से नेक्स्ट स्टिच में हमें पैटर्न बनाना है। इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो कर हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हम सिंगल क्रोशे का एक रो बुनेंगे, ये एक चेन सिंगल क्रोशे बुनते जाएंगे हम और इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने सिंगल क्रोशे वाला रो कंप्लीट कर लिया है। हम अब मैट के फ्रंट में हैं और हम यहाँ ये पैटर्न रो प्रिपेयर करेंगे। हमने 3 चेन लिया है, अब हम 3 फंदे निकालेंगे। हमने 3 फंदे निकाल लिए हैं, सभी को एक साथ बुन फिर हम एक चेन लेंगे और एक स्टिच स्किप कर, हमें ये स्टिच स्किप करनी है और नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से पैटर्न बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन और एक स्टिच स्किप कर हम नेक्स्ट स्टिच में पैटर्न बना लेंगे। एक चेन एक स्टिच स्किप कर हम नेक्स्ट स्टिच में पैटर्न प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरह से जैसा हमने फर्स्ट पैटर्न वाला रो प्रिपेयर किया था, एक रो फिर से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर हम उल्टे साइड में सिंगल क्रोशे वाला रो बुनेंगे। इसी पैटर्न को, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और इस मैट को हम तैयार करेंगे। मैंने ये पैटर्न का 15 रोज प्रिपेयर करा, उसके बाद फिर
ये सिंगल क्रोसे का रो हमने कंप्लीट करा है। उसके बाद यहाँ हम जिस तरह से हमने बिगनिंग में यहाँ डबल क्रोसे का रो बुना था, वैसे ही इस एंड में हम डबल क्रोसे का रो बुन कंप्लीट कर लेंगे। हमने डबल क्रोसे का रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए हमने ये कलर इस्तेमाल किया है। यहाँ हम 3 चेन्स बुन उसी प्लेस पे फाइव डबल क्रोसे बुनेंगे। हमने 5 डबल क्रोसे बुन लिया है, एक चेन, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 फाइव स्टिचेस स्किप कर 6th स्टिच में हम 3 डबल क्रोसे बुन। हम ये 3 डबल क्रोसे सेम स्टिच पे बुनेंगे, फिर एक चेन, फिर इसी स्टिच पे हम फिर से 3 डबल क्रोसे बुन लेंगे। ये इस तरह का दिख रहा है, फिर एक चेन और फिर 1 2 3 4 5 फाइव स्टिचेस स्किप कर 6th स्टिच पे हम वापस ये पैटर्न बना लेंगे। एक चेन, 1 2 3 4 5 6 स्टिच पे पैटर्न। थ्री डबल क्रोसे, 1 चेन, उसी स्टिच पे फिर से 3 डबल क्रोसे। यही सीक्वेंस फॉलो कर हम इस एंड पे आ कॉर्नर बनाएंगे। हम कॉर्नर पे हैं, एक चेन,
उसके बाद फिर ये लास्ट स्टिच है, इसमें इसमें हम 5 स्टिचेस बुनेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर पे है हम इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे। हमने 5 स्टिचेस आई मीन 5 डबल क्रोशे बुन लिया है, 1 2 3 3 चेन्स के बाद हम सेम स्टिच पे 5 डबल क्रोशे बुनेंगे। वन टू थ्री फोर, फाइव, हमने कॉर्नर पे 5 इस साइड और 5 इस साइड डबल क्रोशे बुना है, और यहाँ मिडिल में हमने 3 चेन्स लिया है। एक चेन फिर यहाँ पैटर्न जहाँ स्टार्ट हो रहा है इस प्लेस पे वन टू थ्री ये वाला पैटर्न हम बनाएंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और फिर सेम प्लेस पे हम फिर से 3 डबल क्रोशे बुन लेंगे। ये पैटर्न हमने यहाँ बना लिया है, वापस 1 चेन और ये पैटर्न और ये पैटर्न के बीच का ये प्लेस हम यहाँ पे फिर से ये पैटर्न बनाएंगे। थ्री डबल क्रोशे, 1 चेन और फिर इसी प्लेस पे 3 डबल क्रोशे। हम इस तरह से ये रो इस कॉर्नर तक कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है, यहाँ कॉर्नर प्रिपेयर करना है। वन टू थ्री फोर फाइव
फाइव, हमने हमने फाइव डबल क्रोश से बुन लिया है, वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोश से बुनने के बाद सेम प्लेस में हम थ्री चेन्स बुनने के बाद सेम प्लेस में हम फाइव डबल क्रोश से बुनेंगे। हमने कॉर्नर प्रिपेयर कर लिया है, एक चेन, और फिर यहाँ हम फाइव स्टिचेस स्किप कर सिक्स्थ स्टिच पे ये वाला पैटर्न बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, हमने फाइव स्टिचेस स्किप कर लिया है, सिक्स्थ स्टिच पे हम पैटर्न बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स्थ प्लेस पे, सिक्स्थ स्टिच पे हम पैटर्न बनाएंगे। इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। हम इस रो के एंड में हैं, यहाँ हमें कॉर्नर बनानी है। थ्री फोर फाइव, फिर थ्री चेन्स, सेम प्लेस पे फाइव डबल क्रोशे, वन वन टू थ्री फोर फाइव, हमने ये कॉर्नर बना लिया है, एक चेन, और फिर इस पैटर्न के फर्स्ट रो के पास हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे।
हमने ये पैटर्न बना लिया है। अब हम इस पैटर्न वाले रो और इस पैटर्न वाले रो के मिडल में यहाँ पे एक पैटर्न बनाएंगे। हम यहाँ कॉर्नर पे हैं, हमने यहाँ 5 चेन्स बुना था। वापस हम इसी प्लेस में आएंगे और 5 डबल क्रोशे बुनेंगे, क्योंकि हमने कॉर्नर में 5 and 5 10 डबल क्रोशे बुने। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 3 चेन्स, और उसके बाद फिर हम ये एन ये एंड्स ज्वाइन कर लेंगे। हमने एंड्स ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ 3 चेन्स बुनेंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशे है। फिर सेम प्लेस में हम यहाँ 5 डबल क्रोशे बुनेंगे। हमने 5 डबल क्रोशे बुन लिया है, 1 2 3 4 5। अब एक चेन ले, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न के मिडल में आएंगे। थ्री चेन्स बनने के बाद हम एक चेन लेंगे यहाँ, हमने यहाँ 3 डबल क्रोशे बुन लिया है। फिर 1 2 3 3 चेन्स बुनेंगे और फिर थ्री डबल क्रोशे। एक चेन नेक्स्ट पैटर्न में आ, थ्री चेन्स, फिर सॉरी 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन्स और फिर सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे।
कि फ्लोर मैट प्रिपेयर हो चुका है। और यदि आपको ये फ्लोर मैट अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।